तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हाट टेक्नो इंस्पायर में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दो वीडियोज पे लाइक टारगेट जो था वो हमारा 50-50 लाइक मतलब 45 लाइक्स और 25 लाइक्स का टारगेट था, आपने 100 लाइक से ज़्यादा कर दिया उस वीडियो पे और 3000 से ज़्यादा व्यूज आ गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, ये सब आपकी वजह से हो पाया है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद। नेक्स्ट हम जो टारगेट रखते हैं वो 550 का टारगेट रखते हैं, देखते हैं ये कब तक हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके क्वेश्चन का जो है वो जवाब देंगे, और क्वेश्चन का जवाब देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी ग्रुप को जो है हमने यहाँ पे लाया है, और यहाँ पे आप जो है हमारे इस YouTube कम्युनिटी ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आप यहाँ पे जो है हमें पूछ सकें। कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट करनी हो तो आप यहाँ पे जो है हमारे पूछ सकते हैं। इस YouTube कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, तो जल्दी करें, मात्र यहाँ पे 150 जो लोग हैं वही ज्वाइन हो सकते हैं। अभी के लिए मैंने 150 ही रखा है, बाद में मैं आगे टारगेट बढ़ाने की सोचूंगा तो बढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा YouTube कम्युनिटी ग्रुप लिंक नाम से, प्लीज जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी यूट्यूब चैनल जो हमारा पहला वीडियो था जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर का कमेंट रखा हुआ था वो यहाँ पे खुल चुका है, तो मैं यहाँ से सारे कमेंट्स पढ़ पढ़ कर जो है वो आपको जवाब दूंगा। तो यहाँ पे पहला जो कमेंट आता है वो यहाँ पे है गौरव अवस्थी का, वो कहते हैं क्या स्पीकर क्वालिटी में लाउडनेस आई है कि नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पीकर क्वालिटी जो थी वो ऑनर इंडेक्स की, वो जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। स्पीकर और साउंड क्वालिटी को जो है वो किसी भी तरीके से इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के जरिए। ऑनर इंडेक्स की ये स्पीकर ज़्यादा लाउड भी नहीं है और ज़्यादा स्लो भी नहीं है, नॉर्मली ठीक ठाक ही है। स्पीकर में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किए गए हैं। ऑनर 8X का पोर्ट्रेट मोड कैसा है, रोहित राज पूछते हैं। तो दोस्तों, ऑनर 8X का पोर्ट्रेट मोड जो है वो पहले 8 मेगापिक्सल सेल्फी थी, पोर्ट्रेट मोड में चलती थी, और मैंने बताया आपको इस वीडियो में कि जैसे मैं जो स्टेज लाइटिंग का जो इफेक्ट था, मतलब जो भी 3D लाइटिंग जो होती थी वो आ चुकी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो स्टेबल अपडेट आने वाला है उसमें ऑनर 8X में पोर्ट्रेट मोड हम 8 मेगापिक्सल में खींचते हैं, अब उसका 12 मेगापिक्सल हो जाए, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड उतनी अच्छी नहीं है एज वी आर कंपेयर। 12 मेगापिक्सल की होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं समर का से। अब उनका कहना है कि ब्रो, स्क्रीन चेंज वॉलपेपर भी नहीं चेंज हो रहा है एंड्रॉइड 9 पाई में। तो अगर आपको अपडेट मिल चुका है एंड्रॉइड 9 पाई में तो वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी थीम्स में आप जाकर इजीली जो है आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मेरे को यूट्यूब कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पूछिए, और नहीं तो आप मेरे ईमेल आईडी पे जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए कुछ इमेजेस का कि कौन सा एयर जो है आपको शो हो रहा है। अगली जो क्वेश्चन करते हैं वो है जसीम उद्दीन, आई डोंट गॉट दिस अपडेट, प्लीज़ हेल्प हाउ टू गॉट दिस। तो इस अपडेट को गॉट करने के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ करना नहीं है, इसको बीटा प्रोग्राम को खोलना है। अगर आप मेरा चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें तो आपको पता चल जाता और आपको मिल जाता EMUI 9 और Android 9 Pie का अपडेट कैसे डाउनलोड करना है। तो अभी आप इसको नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जो है 28 मार्च तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीटा अपडेट ख़त्म होने में 28 फरवरी है, और उसके बाद 28 मार्च को स्टेबल अपडेट मिलेगा 3 GB का, वो इसे ज़्यादा हो सकता है, 3 GB या 4 GB का भी जो है वो अपडेट हो सकता है, तभी आपको मिलेगा। अभी आप सिर्फ ओरियो को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पूछ रहा है कि आफ्टर अपडेटिंग एंड्रॉइड पाई विथ EMUI 9 ऑन द ऑनर View 10 डिवाइस आई हैव फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, वेन फिक्स बग्स प्रॉब्लम रिप्लाई। तो ऑनर View 10 में अगर आपने बीटा प्रोग्राम ले रखा है तो बीटा में बग्स जो है वो होते ही हैं। मैं आपको इसमें भी बहुत सारे बग्स हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ, कभी कभी डिजिट शो नहीं होते हैं सही से, कभी कभी जो क्या होता है कि कुछ ऐप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, लेकिन दोबारा आप ओपन करेंगे तो वैसे ही रनिंग प्रोसेस में होते हैं। तो इस तरीके के जो बीटा प्रोग्राम से यहाँ पे आते हैं तो इसके फिलहाल सॉल्व करने का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बोला कि बीटा में बग्स होते हैं, उसके लिए आपको स्टेबल अपडेट का जो इंतज़ार करना पड़ेगा, और कंपनी जो बग्स को फिक्स करेगी, हो सकता है शायद नए सिक्योरिटी पैच जो आपको दे उसमें शायद कंपनी को जो बग्स फिक्स कर दे। ऑनर 7 में पाई अपडेट कब आएगा? तो दोस्तों, ऑनर की 7 सीरीज में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का जो पाई अपडेट है वो मिलेगा। अगर आप बीटा प्रोग्राम से भी नहीं ले सकते हो ऑनर के 7 में, आप शायद 28 मार्च तक वेट कर लो, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो मार्च के बाद तो आप भूल ही जाओ कि ऑनर 7 में कोई पाई अपडेट आएगा। GPU टर्बो एंड 4D गेमिंग, हाँ, GPU टर्बो 2.0 बीटा वर्जन में जो है हमारे ऑनर टेक डिवाइस में कर दिया गया है। मैंने पबजी को कुल 60 मिनट्स तक अगर मैं बताऊँ 1 घंटे तक खेलता था तो 10% का बैटरी जो था वो ड्रेन होता था और मेरी ग्राफिक जो थी वो बैलेंस और हाई पे होती थी। लेकिन अब GPU टर्बो 2.0 आने के बाद अब होता क्या है कि जब भी मैं पबजी को जो वो खेलता हूँ
तो आसपास जो फायरिंग होती रहती है उसका शौक मुझे लगते रहता है, तो मतलब ऐसे वाइब्रेशन होता है तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मदद मिलती है इनिमीज को आइडेंटिफाई और स्पॉट करने में। और दूसरी बात है कि बैटरी मेरे पहले 10% थी, अब 7 से 8% जो है वो ड्रेन होती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और 4D गेमिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, बस कंपनी ऐसे ही बोलती रहती है, सिर्फ स्मार्ट शॉक नाम का जो फीचर है। पबजी का गेम प्ले बनाओ टर्बो 2.0। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube गेमिंग चैनल ट्यूब टून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्यूब टून चैनल का लिंक, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने वहाँ पबजी खेला है और मैंने अभी ऊपर के सवाल में जवाब दिया कि पबजी किस तरीके से चल रहा है। पबजी को आप HD सेटिंग्स पर भी खेल सकते हो, कोई लैग कोई ओथी नहीं होती है। पबजी को जो लैग का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आपको मेरी इंटरनेट स्पीड दिख रही होगी कितनी स्लो है, सिर्फ वही है, EIS नहीं है ब्रो। दोस्तों मैंने कंपनी से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि EIS सॉफ्टवेयरली दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट कर कर कहा कि EIS नहीं है, तो शायद मैं मान सकता हूँ या किसी नहीं है, शायद कंपनी ने मेरे साथ प्रैंक किया हो, लेकिन उन्होंने बोला था कि सॉफ्टवेयर बेस्ड EIS दिया हुआ है ना कि हार्डवेयर बेस्ड। तो आप बीटा प्रोग्राम में मैं अभी हूँ, अगर स्टेबल अपडेट आ जाएगा तो शायद इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं यहाँ पे बीटा प्रोग्राम कैसे चला है। तो बीटा प्रोग्राम चलाने के लिए बस आपको जो है वो बीटा APK को जो है वो डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेना होगा, और फिर बीटा प्रोग्राम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो आते रहते हैं। तो अभी जॉनसन FUT प्रोग्राम जो है वो आया है, और बस कोई और भी नए बीटा प्रोग्राम्स आएंगे तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपने मेरी ऑनर टेक्स बीटा प्रोग्राम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाकर जो है देख सकते हैं, और बीटा प्रोग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप मेरी वेबसाइट से जाकर बीटा APK डाउनलोड कर सकते हैं भाई। और दोस्तों ऐप असिस्टेंट और FM रेडियो और कुछ ऐप्स जो है आपसे अगर अनइंस्टॉल हो चुके हैं ऑन एरेटिक से, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके आपको मेरे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए गूगल में, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं भाई। ऑन एरेटिक्स में फास्ट चार्जिंग अपडेट कब आएगा? दोस्तों फास्ट चार्जिंग अपडेट नहीं आएगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, फास्ट चार्जिंग का जो अपडेट है ऑन एरेटिक्स डिवाइस में नहीं आने वाला है, मैंने आपको बता दिया है। और अभी जो ऑनर टेक्स की जो चार्जिंग स्पीड है वो कम हो चुकी है, पहले कुछ 2 घंटा 15 मिनट ऐसी कुछ लगती थी चार्ज होने में, और अब जो है मेरी बैटरी जो अगर मैंने कल चार्ज की थी तो फुल चार्ज 0 to 15 to 100% जो थी मेरी बैटरी 1 hour and 45 minutes में जो है वो चार्ज हो गई थी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और बैटरी बैकअप भी जो है ऑनर ATX का पहले से ज़्यादा बेटर इम्प्रूव्ड हो गया है। मैंने सबमिट कर दिया है, अब तक मुझे मिला जस्ट अब रिप्लाई में, तो 500 लोगों ने इस बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप किया था। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो धीरे धीरे करके आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस वक्त मुझे मिला था उस वक्त सिर्फ 150 लोगों को अभी तक जो है पाई का अपडेट मिला है। अगर मैं अपने सोर्सेज की बात करूँ तो हो सकता है आपको भी, अगर आपने साइन अप कर लिया है तो हो सकता है आपको भी बहुत जल्दी जो अपडेट मिल जाए। और प्लीज़ हमारी YouTube कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप जो भी है इमेज वगैरह जो है शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वहीं से मैं आपके क्वेश्चंस जो है उठा लूँगा भाई। मेरे ऑनर टेक्स में अपडेट नहीं आया, तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बीटा प्रोग्राम का अपडेट है, जिन्होंने बीटा साइन अप किया है सिर्फ उन्हीं को जो है ये अपडेट मिल रहा है। योगेश चौरीवार जिन्होंने 2 thumbs up दिया है, तो थैंक्स फॉर दिस भाई। मुझे क्यों नहीं आया अपडेट? दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि एक बीटा प्रोग्राम है, इट्स नॉट अ स्टेबल अपडेट, आपको स्टेबल अपडेट के लिए 28 मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। ATX 1 काफ़ी अच्छा है, और मुझे इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और इसका डिज़ाइन और लुक्स और परफॉर्मेंस सब कुछ ठीक है, किलर अगर आपको चुनना है तो आप ये चुन सकते हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अपडेट के बाद मेरे फ़ोन में एक ब्लैक लिंक आ गया है। दोस्तों अगर आप ये ब्लैक लाइन की बात कर रहे हैं, जहाँ आपको मेरे नीचे 3 नेविगेशन बार का बटन दिख रहा होगा और उसके नीचे आपको ब्लैक आ रहा होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अब बस सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद जो यहाँ पे नेविगेशन बार का एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले में, नेविगेशन बार का जो एक मैं देख लेता हूँ नेविगेशन बार का ऑप्शन, हाँ यहाँ पे जो है सिंगल की नेविगेशन, नेविगेशन की नेविगेशन, 3 की नेविगेशन, यहाँ पे देख रहे हैं नेविगेशन बार का बहुत सारा ऑप्शन आता है। अब आपको करना क्या होगा ना, यहाँ पे आपको ये वाला जो 3 की नेविगेशन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना ये 3 की नेविगेशन, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, तो इसके कारण जो है आपको जो ब्लैक स्पॉट है वो नहीं आएगी। और उसके बाद जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए नेक्स्ट जो है कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट्स जो करते हैं वो यहाँ पे ये करते हैं कि हाउस द बैटरी लाइफ, मोस्ट माई रोम्स हैव हैवी बैटरी ड्रेन कम्पेयर टू ओरियो। तो पाई अपडेट करने के बाद हैवी बैटरी ड्रेन होता है, यह सही है, लेकिन आप भूल रहे हो कि यह स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, ये मेरा EMUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो EMUI 9.2 AI बैटरी मैनेजमेंट के साथ आता है, तो उसमें जो बैटरी का काफ़ी अच्छा बैकअप मिल जाता है आपको। अगर नॉर्मल आप यूज करते हो, अगर आप पबजी छोड़ दो तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत कम हो जाता है। पबजी छोड़ने के बाद आपका बैटरी बैकअप मोस्टली 1 दिन का आपका बैटरी बैकअप मिल ही जाता है।
अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के जो कमेंट्स का, और इससे पहले हम इसको पोल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने पोल पर जाता कि वीडियो की क्वालिटी जो है वो कैसी है, तो आप में से बहुत लोगों ने कहा कि बैड है और कुछ लोगों ने कहा कि गुड है। तो मुझे भी शायद उतनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी नहीं लगी ऑनर 8X की तरफ से, लेकिन फिर भी इंडिया में वोट जो है वो बहुमत की होती है, तो मैं गुड पर क्लिक तो मैं गुड को जो है यहाँ पर विन करता हूँ। दूसरी बात, मैं आपको अपडेट मिला बीटा का, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला लेकिन कुछ लोगों को मिला है। जिन लोगों को मिला है प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपका कुछ बक्स मिला एक्स्ट्रा। और फिर ये तो कमेंट्स आपने पूछे थे, और आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स पूछ सकते हैं, शायद मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूं। लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से रिप्लाई जानना है तो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वहाँ पर ऑनर 8X इंस्टॉलिंग एंड्रॉइड 9, इसमें मैंने बोला था कि आपके जो क्वेश्चन का जो है वो मैं जवाब दूंगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। मुझको ऑनर अपडेट नहीं आया है एक्स बीटा, ठीक है मैं ट्राई करूँगा धीरे बोलने के लिए। अपडेट प्लीज़, ये कोई बीटा अपडेट है, इट्स नॉट स्टेबल। भाई थोड़ा कैमरा रिव्यू देने की बात की, तो मैंने कैमरा रिव्यू दिया हुआ है, उतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। स्टेबल अपडेट आने के बाद जो है शायद हो जाएगा। रैप के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैंने अपना पबजी सॉन्ग बना तो लिया है, मैं ट्राई करूँगा कि अपना जो रैप है वो दे दूँ। तो आपको अपडेट अभी तक नहीं मिलेगा रफीकुल खान, क्योंकि अपडेट के लिए आपको बीटा प्रोग्राम साइन अप करना पड़ेगा, और बीटा प्रोग्राम अभी के लिए फुल है, तो आप वेट कर सकते हो 28 मार्च तक का। अपडेट नहीं मांगते से मतलब चेक फॉर अपडेट्स क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आपके मोबाइल में ऑटो डाउनलोड का अपडेट मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरी एक नई वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल जाएगी। और सऊदी अरबिया से भी प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, स्टेबल अपडेट में कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, और जो न्यू अपडेट भी आएगा या बीटा अपडेट भी आएगा, उस दोनों में किसी भी तरह का डेटा लॉस जो है वो नहीं होता है। मैंने कैमरा का वीडियो सैंपल जो है बनाया रखा है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो कॉल नहीं होता, वीडियो कॉल तो पहले बीटा में था, अभी स्टेबली जो ला दिया गया, मैं तो वीडियो कॉल कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आप प्लीज़ इधर को जो है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में जो है वो पोस्ट कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे चैनल ग्रुप में जो है वो कर दीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए मैं इतने कमेंट्स का जवाब देता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं, सबको पढ़ पाना, सबका जवाब देना है जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, और हमारी यूट्यूब कम्युनिटी ग्रुप को और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप डील्स और ऑफर जान सके। और कोई भी क्वेश्चन के लिए प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब का जो कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ पे जाएं प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस Q&A वीडियो, और अपना सारा क्वेश्चन जो है प्लीज़ हमारे यूट्यूब कम्युनिटी ग्रुप में जो है वो पूछा कीजिएगा। तो और नई वीडियो के जो लिंक्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करने होंगे मैं आपसे सबको प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक्स, और इस वीडियो के लाइक टारगेट जो है वो हम रखते हैं कुल 35 लाइक्स का, तो प्लीज़ 35 लाइक्स कर दीजिएगा। थैंक यू।